पाठ का संदर्भ यानी कि टॉपिक है आपका भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर, या हम सब्जेक्ट में चुप देते हैं हिंदी। ठीक है, भाषा क्या होता है? भाषा यानी हमारी लैंग्वेज क्या होता है? हम अगर बात कर रहे हैं आपसे तो ये क्या है हमारी भाषा, यानी विचारों के आदान और प्रदान, यानी लेना और देना भाषा का माध्यम है। भाषा के थ्रू, ये भाषा के द्वारा हम अपनी बात को किसी भी व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं और उस व्यक्ति की सारी बातों को ले सकते हैं, यानी आदान और प्रदान का माध्यम ही भाषा है। क्लियर? अब यह हमारा भाषा का टॉपिक क्लियर हुआ। अब भाषा के कितने भेद हैं? भाषा के दो भेद होते हैं। एक होता है आपका मौखिक और एक होता है आपका लेखन। ठीक है, मौखिक भाषा, मौखिक अगर हम बोले इंग्लिश में तो ओरल लैंग्वेज। मैं आपसे जो बात कर रही हूं ये किसका माध्यम है? मौखिक भाषा का। क्लियर? आगे हम बात कर रहे हैं लिखित भाषा की। लिखित यानी जो मैं आपको बोर्ड पर ये लिख रही हूँ, लिखने के ढंग को लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि हम लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारा? लिखित भाषा। मौखिक जो ओरली हम बोल रहे हैं, मुंह से बोलना अर्थात मौखिक भाषा का पहला रूप है। इसमें बोलना अपनी बात कही जाती है, सुनकर दूसरी बात समझी जाती है, भाषा का ही है। क्या कहलाता है? जैसे एग्जाम्पल में नेताजी भाषण दे रहे हैं, टीचर क्लास में पढ़ा रही है, ये सब क्या है हमारे भाषा के उदाहरण। लिखित जिसको हम लिखकर अपने द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी लिखकर समझते हैं, वो होता है लिखित। राज ने एक पत्र लिखा, मैंने एक कविता लिखी, ये सब क्या है? लिखित भाषा। क्लियर? नेक्स्ट, यानी आगे हम पढ़ते हैं तो आगे है हमारी चैप्टर में बोली। बोली हिंदी भाषा का देश, यानी कि हमारे प्रदेश में, हमारे पूरे भारत में विभिन्न विभिन्न तरह की बोलियां बोली जाती है। समझ रहे ना? जैसे हम यूपी से हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हम ब्रज वाली भाषा यूज करेंगे, महाराष्ट्र से हैं तो मराठी यूज करेंगे, गुजरात से हैं तो गुजराती यूज करेंगे, पंजाब से हैं तो पंजाबी बोलेंगे। ये सारी क्या है? हमारी बोलियां, यानी सब देशों की बोली अलग अलग होती है। ठीक है, आगे लिपि, यानी हमारा बोली क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट था हमारा बोली। अब हमारा थर्ड पॉइंट लिपि। लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मुझसे जानते होंगे कि हम कोई, अगर मैं किसी को कोई बात करके देनी अपनी, तो हमें पूरा स्क्रिप्ट बनाते हैं कि हमें ये सारी बात से करनी है। तो अब यह लिपि क्या है? किसी भी भाषा के ध्वनि चिन्हों को लिखने के ढंग को, यानी किसी भी भाषा के चिन्ह के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि जैसे हमारी बात करें अगर हम हिंदी, तो हिंदी में लिपि जो है वो यूज होती है हमारी देवनागरी, यानी भाषा हमारी हिंदी और हिंदी की लिपि है देवनागरी। अगर बात करें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में यूज होती है रोमन, ये सब क्या है हमारी लिपि। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया भाषा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण के बारे में हम आपको बताएंगे। व्याकरण क्या है?
दूसरा होता है शब्द विचार, थर्ड होता है वाक्य विचार। अब आप कहेंगे मैम वर्ड विचार में क्या होता है, हमें आपसे एक्सप्लेन करना है कि वर्ड विचार में क्या होता है। तो व्याकरण में वर्ण विचार की मूल इकाई है, प्रत्येक शब्द विभिन्न वर्णों के प्रयोग से बनते हैं, यानी शब्द जो बना वो अलग अलग वर्णों के प्रयोग से बना। वर्ण विचार के वर्णों के भेद, वर्ण विचार के वर्णों के भेद उच्चारण और उनके मेल से संबंध रखने वाले शब्द का अध्ययन कौन कराता है, या वर्ण विचार। ठीक है, शब्द विचार, शब्द विचार प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द होते हैं। ठीक है, व्याकरण के इस अंग में शब्दों की उत्पत्ति विकास निर्माण का अध्ययन कराया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य की रचना होती है, यानी मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम एक लड़का है, तो यहां पर क्या बना दिया, पूरा वाक्य, पूरा क्या बना दिया हमने इसको, वाक्य। यानी कि हमें क्या बता रहा है कि राम एक लड़का है और वो है। तो यहां पे क्या कर रहा है कि इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उनके भेद शब्दों में आपस संबंध और उनके सही करने इसको लिखा जाता है। ये हो गया हमारा वर्ण विचार। तो ये आपको चैप्टर था भाषा और व्याकरण, तो मैंने आपको समझाया है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इसको समझिएगा बेटा। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो या कोई समझाई नहीं समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं।